तो यार बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के राइटर इस मूवी की स्टोरी लिखने से पहले मार्बल का नशा करके बैठे थे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे जस्टिफिकेशन दे दूंगा। तो यार फाइनली मैंने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टार मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ देख लिए। अब इससे पहले कि आप लोग इसे गणपत पार्ट 2 घोषित कर लो, पहले रुको और मेरी बातें सुन लो। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें हमारे विलेन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो हिंदुस्तान से एक बहुत ही कीमती चीज चुरा लेता है। ध्यान देना, कीमती चीज। अब ये चीज क्या है उसको जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बट उसने ये ऐलान कर दिया कि 3 दिन बाद इस चीज से वो बहुत ही बड़ा प्रलय लाने वाला है जिससे कि पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। अब इस अनहोनी को रोकेगा कौन? ऑब्वियसली हमारे दो हीरो मतलब कि अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ एके फ्रेडी एंड रॉकी। बिना स्पॉइलर के साथ ओवरऑल कहानी तो यही है जो सुनने में बहुत ज्यादा सिंपल है एंड आई विश कि ये इतना ही सिंपल होता, बट अंदर में इतना ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो दिखने में उतना भी बढ़िया नहीं लगता। अब ये सब बातें तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, बट अगर फिर भी आपको जानना है तो कुछ मत करो, जाके यूट्यूब पे ट्रेलर देख लो। हाँ यार, बॉलीवुड वाले अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे पूरी मूवी को ट्रेलर में दिखाने का, जो कि बहुत ही इलॉजिकल है। और इलॉजिकल बात चली रही है तो इसकी कहानी को देख लो। अब हाँ, मुझे पता है कि एक मासी मूवी है जिसमें उतना ज्यादा तो लॉजिकल चीजें हमें देखने को नहीं मिलेगी और फिजिक्स से तो दूर दूर का नाता नहीं होगा, और इसीलिए मैंने अपना जो एक्सपेक्टेशन का बैरियर था वो भी नीचे रखा था। बट बिलीव मी, इन लोगों ने इस मूवी में उससे भी नीचे वाला काम किया है। मतलब हाँ, मैं समझ सकता हूँ विलेन 10 गोली मारेगा हीरो को नहीं लगेगा, और हीरो 1 ही गोली मारेगा तो विलेन को लग जाएगा, बट फिर भी कोई भी हीरो कहीं पर भी कैसे आ सकता है? अब मूवी का मेन मसाला मतलब की स्टोरी जो हमारे मेन प्रोटागोनिस्ट और हमारे मेन एंटागोनिस्ट के इर्द गिर्द घूमते रहता है। एंड यार बिलीव मी, ये चीज और भी अच्छे तरीके से हो सकता था क्योंकि कोई भी एक्शन मूवी का क्वालिटी जस्टिफाई होता है उसके अंदर के विलेन को देख के, जो इसके फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही अच्छा लगता है। बट यार वो कहते हैं ना, मूवी के अंदर विलेन का विलेन बनने का जो बैक स्टोरी है वो अच्छा होना चाहिए, जो मुझे बड़े मियाँ छोटे मियाँ में उतना ज्यादा प्रोमिसिंग नहीं लगा। मतलब हमारा जो एंटागोनिस्ट है कबीर, जो एक कंपनी ओनर करता है जीरो ग्रेविटी नाम से, अब बरसों से उनका पापा और वो इंडियन आर्मी को वेपन सप्लाई करते आ रहा है, लग रहा ना थोड़ा टोनी स्टार्क टाइप। खैर, आगे जाकर उसको एक दिन रियलाइज होता है कि ऐसे वार में बहुत ज्यादा सिपाही का जान जाता है, इसीलिए वो सिपाही की जगह रोबोट भेजना चाहता है वार, और इसीलिए वो खुद से कुछ ऐसे रोबोट बनाता है जो कि इंसानों की तरह है, मतलब कि इंसानों के अंदर की क्वालिटी को लेकर। मगर इस रोबोट पे उसने एक चीज अपने से ऐड कर दिया कि इस रोबोट का जो कंट्रोल होगा वो पूरा इंडियन आर्मी के पास ही होगा, जो चीज आर्मी के कुछ ऑफिसर को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो ये प्लान को कैंसिल कर देता। मतलब यार समझो, आज से 10-15 साल पहले रजनीकांत ने अपने रोबोट मूवी में भी यही करने का ट्राई किया था और उसको भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों? उसने इसका ऑपोजिट किया था, तो यार करे तो करे क्या। खैर, इस छोटी सी बात को लेकर दोनों के बीच में अनबन चालू हो जाती है जिसका परिणाम तो बहुत बुरा होगा ही, मगर कीमत भी पूरी दुनिया को चुकाना पड़ेगा, हम सबको भी। जी हाँ, इस 3 घंटे की मूवी में बीच बीच में इतना ज्यादा टॉर्चर सहा है मैंने, क्या बताऊं। खैर, यहाँ पर ही बैठ के मैं इस मूवी की छोटी छोटी कमियां को पॉइंट आउट नहीं करूंगा, और बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें हो गई यार, थोड़ी पॉजिटिव बातें भी सुन लो। ये मूवी उतनी भी बुरी नहीं है क्योंकि यार जो चीज ये मूवी प्रॉमिस करती है और हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब कि इसके अंदर का एक्शन वो तो यार कमाल का था। हाँ, कुछ अगर सीजीआई सीन हटा दे तो स्पेशली इसके अंदर के जितने हैंड टू हैंड वाले फाइट सीक्वेंस थे वो तो यार कमाल ही लग रहा था। और हाँ, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी और दोनों का परफॉर्मेंस बवाल था, तो इसीलिए अगर आप इन दोनों के फैन हो तो यार बिल्कुल भी मिस मत करना, ये मूवी बहुत मजा आएगा, खास करके इन दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब हाँ, इस मूवी का मेरा सबसे फेवरेट चीज इसके अंदर का ह्यूमर ही है, जो अभी ट्रेंडिंग में चलने वाला मीम कल्चर को बहुत ज्यादा ही प्रमोट करता है, और हाँ बोलने में कोई संकोच नहीं, एंगेज रखता ऑडियंस को। खैर, इसके अंदर बाकी जितने कैरेक्टर है उन सबका भी परफॉर्मेंस बवाल था, खास करके पृथ्वीराज सुकुमारन, रोनित रॉय। सिर्फ मानुषी चिल्लर का कैरेक्टर मुझे उतना ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगा, तो इसीलिए मेरा फाइनल वर्डिक्ट तो यही है कि अगर आपको बस एक एंटरटेनमेंट पर्पज के मूवी देखना है, पॉपकॉर्न खाओ, मूवी देखो, थिएटर में अच्छा टाइम स्पेंड करो, पिक्चर का मजा लो और थिएटर में निकलते ही भूल जाओ, तब हाँ मेरी तरफ से मूवी रिकमेंडेड है, बिकॉज मैं इसे एक लगभग एवरेज मूवी कह सकता हूँ, क्योंकि यार इन दी एंड मुझे मूवी देखते वक्त मजा तो आया, बट अगर कोई मुझे बोले कि फिर से जाके देख तो मैं नहीं देखूंगा। अब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लिया, अगर आप लोगों ने मूवी देखा तो कमेंट में बता देना कैसा लगा, और अगर कमेंट सेक्शन में तक जा ही रहे हो तो बीच में सब्सक्राइब का बटन आएगा दबा देना भाई के लिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तेरे पीछे तेरा यार खड़ा।